दोस्तों साल 1836 में एस्ट्रोनॉमर जॉन हर्सल ने एक स्टार को ऑब्जर्व किया जो अपने ब्राइटनेस काफी तेजी से बदलता रहता था। कभी कभी ये काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता था तो कभी ये बहुत ज्यादा डिम। अब ये एक वेरिएबल स्टार था जिसे नाम दिया गया था द हैंड ऑफ ओरायन या कहें बीटलजूस। अब दोस्तों बीटलजूस अर्थ से 640 लाइट ईयर्स दूर है और ये अपने स्टेलर रिवॉल्यूशन के आखिरी स्टेज पर है, यानी कि ये जल्द ही खत्म होने वाला है। जब साल 2019 में बीटलजूस को हबल स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब सा देखने को मिला। हबल ने देखा कि लगातार ये स्टार डिम होता जा रहा है। अब अंदाजा यही लगाया गया कि ये अपने अंत के करीब पहुंच चुका है। इस स्टार में कभी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है, पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने बीटलजूस में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जिसने इसकी मिस्टीरियस डिमिंग की सारी पहेली को बिल्कुल सॉल्व करके रख दिया। तो आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा भी क्या मिल गया बीटलजूस के पास? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए आज बात करते हैं बीटलजूस की। दोस्तों जब बात आती है ओरायन कॉन्स्टिलेशन की तो हमें प्राचीन सभ्यताओं में बताई गई वो बातें याद आती है जिनमें हमारे भगवान ओरायन कॉन्स्टिलेशन से धरती पर आया करते थे और हमें ज्ञान दिया करते थे। अब बीटलजूस भी उसी ओरायन कॉन्स्टिलेशन का ही हिस्सा है और इस कॉन्स्टिलेशन की परंपरा के अनुसार ये भी काफी मिस्टीरियस है। ये रेड सुपर जायंट स्टार पृथ्वी से 642.5 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसे अल्फा ओरायोनिस भी कहा जाता है और ये हमारे सूरज के कंपैरिजन में 1,26,000 गुना ज्यादा ब्राइट है। अब दोस्तों ये इसे पृथ्वी के आसमान में दिखने वाला 10th सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है और सूरज से 764 गुना बड़ी साइज होने के कारण ये इतना बड़ा है कि आप इसे नेकेड आई से भी देख सकते हो। दोस्तों बीटलजूस की एज करीब 1 करोड़ साल हो चुकी है जो कि रेड सुपर जायंट स्टार्स के लिए काफी होती है और इसीलिए माना जा रहा है कि इसमें कभी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। अब जैसे जैसे स्टार्स की एज बढ़ती जाती है तो ये अपने अंदर के हाइड्रोजन फ्यूल को तेजी से खत्म करने लगते हैं। अब इसके कारण ये एक्सपैंड करना शुरू करते हैं और फिर इनके अंदर फ्यूजन शुरू होता है इनके दूसरे भारी एलिमेंट्स का। अब दोस्तों एक क्रिटिकल मास को रीच कर लेने पर स्टार अपनी ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोलैप्स हो जाता है और एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है जिसे हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो शायद मुझे आपको सुपरनोवा के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बीटलजूस पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है और वहां से धरती तक लाइट को आने में करीब 6 सेंचुरी से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। अब क्या पता कि उस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो भी चुका हो और हमें ये 600 सालों के बाद पता चले। वेल, अगर ऐसा है तो 600 साल के बाद इंसानों को कई महीनों तक धरती के आसमान में एक चमकदार लाइट सोर्स देखने वाला है। और हाँ यार, चिंता मत करना क्योंकि इसकी रेडिएशन धरती तक नहीं पहुंचने वाली है। लेकिन वेट ए सेकंड, आप क्यों चिंता करोगे 600 साल के बाद जब दिखेगा तो? अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इंसान पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है। अब दोस्तों साल 2019 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया कि बीटलजूस लगातार अपनी ब्राइटनेस को खोता जा रहा है और बहुत तेजी से फेंट होता जा रहा है। अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि स्टार में कभी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है और हमें ऐसा नजारा दिखने को मिलेगा जो लाइफ टाइम के लिए यादगार होगा। अब फरवरी 2020 तक बीटलजूस अपनी 66% ब्राइटनेस को खो चुका था, पर अप्रैल आते आते बीटलजूस अपनी ब्राइटनेस को रिकवर करने लगा। अब सवाल ये था कि क्या बीटलजूस सच में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के करीब है या फिर इसके पीछे कोई और ही रीजन छिपा हुआ है। वेल, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बीटलजूस से आने वाली लाइट के बीच एक जायंट डस्ट क्लाउड आ गया था। इस जायंट डस्ट क्लाउड ने बीटलजूस से आने वाली लाइट को रोकने का काम किया और हमें इसकी ब्राइटनेस काफी कम लगने लगी। अब दुनिया भर के मेजर टेलीस्कोप्स को बीटलजूस की ओर घुमा दिया गया और इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई। और अभी हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने रिवील किया कि बीटलजूस की इस मिस्टीरियस डिमिंग के पीछे एक जायंट डस्ट क्लाउड का ही हाथ है। पर कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। अब दोस्तों जरा इमेजिन करो कि अगर हमारे पास एक वॉर्म होल होता जिसका एक एंड हमारे अर्थ के पास होता और दूसरा एंड बीटलजूस के पास, तो हम बड़ी आसानी से वहां अपने स्पेसक्राफ्ट्स की मदद से जाकर उसके सारे राज निकाल लेते। बट रियलिटी में ऐसा कुछ फिलहाल हमारे पास नहीं है। पर क्यों?
आखिर जब वॉर्म होल्स थियोरेटिकली पॉसिबल है तो ये हमें अभी तक मिले क्यों नहीं है, और आखिर कैसे वॉर्म होल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से हमें ट्रैवल करवा सकता है, जबकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि लाइट से ज्यादा तेज कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है। वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी ये बुक यूनिवर्स इन ए नटशेल। आप इस बुक की बुक समरी सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग और 10,000 प्लस ऑडियो शो लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको साइंस के ऐसे ही नॉन फिक्शन कंटेंट मिलेंगे जिसके बारे में एज ए साइंस लवर आपको जरूर पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि कुकू एफएम हमारे व्यूअर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट देते हैं 50% ऑफ का, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड ATV यूज करना है और आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 नहीं बल्कि केवल 199 का हो जाएगा। सो मिस मत करना, क्योंकि ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। दरअसल ये जायंट डस्ट क्लाउड कोई बाहरी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि खुद बीटलजूस की सरफेस से ही ओरिजिनेट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, करीब 16 लाख किलोमीटर में फैले इस विशाल क्लाउड से बीटलजूस की सरफेस पर एक स्टार क्वेक आ गया, और इसके कारण बीटलजूस स्टार की आउटर सरफेस से मैटर इजेक्ट होने लगा। अब यहाँ पर आपने कोरोनल मास इजेक्शंस यानी कि CMEs के बारे में तो जरूर सुना होगा। इन्हें हम सोलर फ्लेयर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे सूरज के द्वारा समय समय पर अपनी आउटर सरफेस से किए जाने वाले इजेक्शंस होते हैं। अब बीटलजूस की सरफेस से हुआ इजेक्शन एक टिपिकल CME के कंपैरिजन में 40 करोड़ गुना ज्यादा मैसिव था। इसने स्टार की आउटर मोस्ट सरफेस, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। इसे हम सरफेस मास इजेक्शन या SME कहते हैं, और ये CME से काफी अलग होता है। अब दोस्तों, SME के कारण ही बीटलजूस से आने वाली लाइट रेडिएशन हिंडर हो रही थी और हमें इसकी ब्राइटनेस डिम दिखाई दे रही थी। अब एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम इस डिमिंग इवेंट के पहले, उसके दौरान और उसके बाद भी लगातार हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस स्टार पर नजर रखे हुए थे। अब उन्होंने यहाँ पर नोटिस किया था कि डिमिंग इवेंट के पहले भी बीटलजूस की आउटर सरफेस की लेयर बाहर की ओर एक्सेलरेट कर रही थी। इसके बाद ही बीटलजूस का डिमिंग इवेंट शुरू हुआ था। अब दोस्तों, ये सभी बातें साफ इशारा करती है कि बीटलजूस की डिमिंग के पीछे कहीं ना कहीं इसी का हाथ है। पर यार, स्टार की सरफेस पर तो हाइड्रोजन और हीलियम ही हो सकता है, तो इसका डस्ट क्लाउड से क्या रिलेशन है? वेल दोस्तों, इसके लिए आपको कन्वेंशन सेल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दोस्तों, जब भी किसी लिक्विड या गैसियस बॉडी के लेयर्स के बीच डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वार्मर लेयर्स ऊपर की ओर आने लगती है और अपने साथ ऑब्जेक्ट के इंटीरियर में मौजूद मटेरियल्स भी लाती है। अब जब बीटलजूस के आउटर सरफेस ने तेजी से एक्सपैंड करना शुरू किया, तो वहां पर डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब कन्वेंशन सेल ने अपना कमाल दिखाया और स्टार के इंटीरियर से हैवियर मटेरियल्स बाहर आने लगे, और फिर सिलिकॉन जैसे हैवियर एलिमेंट्स कंडेंस होकर सॉलिड डस्ट में बदल गया। अब ये सारे इवेंट्स एक के बाद एक होते गए और इसने स्टार डस्ट का फॉर्मेशन किया। अब इस स्टार डस्ट ने ही वो जायंट डस्ट क्लाउड बनाया जो एक्चुअली में बीटलजूस के डिमिंग इवेंट के पीछे का कल्प्रिट था। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी में मौजूद वेरी लार्ज टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस में हम इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देख सकते हैं। जब हम इन इमेजेस के साथ साल 2019 और 2020 में दुनिया के अलग अलग टेलीस्कोप से ऑब्टेन डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, तो हम स्टार डस्ट के फॉर्मेशन को रियल टाइम में देख पाते हैं। अब दोस्तों, इस यूनिवर्स में अनगिनत तारे हैं। जब स्टेलर लेवल पर कोई इवेंट होता है, तो वो लाखों या करोड़ों सालों में बस एक ही बार होता है, और उस इवेंट को हम रियल टाइम में देख पा रहे हैं। मतलब जरा सोचो कि ये कितना ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है जिसे हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आज हमें जो ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, वो वैज्ञानिकों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। सरफेस मास इजेक्शंस की प्रोसेस को एग्जैक्टली समझ पाना काफी टफ है, और अभी तो वैज्ञानिकों को ये एग्जाम्पल सहित जानने को मिल रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम लगातार बीटलजूस के सरफेस पर नजर बनाकर रख सकते हैं, और इसके थ्रू हम आने वाले समय में बीटलजूस की सरफेस में होने वाले चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब दोस्तों, बीटलजूस की मिस्टीरियस डिमिंग के इस एक्सप्लेनेशन ने इसके बारे में काफी सारी चीजों को क्लियर कर दिया है। इससे हमें पता चला है कि आखिर रेड सुपर जायंट स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कैसे बिहेव करते हैं और अपने मास को कैसे लूज करते हैं। अब आखिर में वो सवाल जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं। दोस्तों, हमने बीटलजूस की मिस्ट्री को कुछ हद तक तो डिकोड कर ही लिया है, लेकिन
लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बीटलजूस में कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को नहीं मिलने वाला? वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि बीटलजूस अपनी लाइफ के अंत में है और यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट की तरह इसका अंत भी निश्चित है। अब ये कोई नहीं जानता कि इसमें कल सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा या फिर आज से 10,000 साल बाद, लेकिन होगा तो जरूर और बहुत जल्दी भी, और क्या पता हो भी चुका हो। वेल, इंतजार है बस उस लाइट का जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की लाइव इमेजेस धरती तक पहुंचाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज क्लियर हो गई कि बीटलजूस की मिस्टीरियस डिमिंग का उसके सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कोई भी कनेक्शन नहीं था, और उस समय वैज्ञानिकों ने गलत अंदाजा लगाया था। अब ये प्रूफ है कि हम इंसान आज भी यूनिवर्स के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, और ऐसा बहुत कुछ है जो हमें अभी भी एक्सप्लोर करना है। वैसे अब तो हबल का अपडेटेड वर्जन यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च हो चुका है, और लॉन्च होते ही इसने कतई तबाही मचाई हुई है। ये टेलीस्कोप एक के बाद एक नई और सरप्राइजिंग डिस्कवरीज कर रहा है, और आने वाले समय में ये बीटलजूस पर भी नजर डालने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, बीटलजूस में हमें कब तक सुपरनोवा देखने को मिल सकता है, और वो इवेंट हम इंसानों के लिए कितना एक्साइटिंग होगा? अपने राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अब दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बुक्स में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, तो कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए इंटरेस्टिंग वीडियो उसको देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।